होगी, जिस तरह हमारे भाई साहब ने कहा कि हम पहले से तकसीम हो चुके हैं, अभी 30% है या 40% जितने भी भाई बचते हैं, जिस तरह हमारे शाह साहब ने कहा एक इज्तमाए अवामी एक यहाँ पर जलसे का इनका कर लें, उसी के थ्रू कुछ हम आगे पेशरफ कर लेते हैं। और उससे भी बात नहीं बनती है, यहाँ पे जो सिक्योरिटी इंचार्ज साहब हैं वो अपने एसएसजी कमांडो या सिक्योरिटी के थ्रू डराना धमकाना चाहते हैं, तो उनको ये पता होना चाहिए कि जिन पाकिस्तान वाले विदेशी तौर पर ही कमांडो जन्म लेते हैं वो किसी से डरने वाले नहीं हैं। उसके अलावा भी अगर कोई पेशरफ्त हो गई तो फिर हम ग्यामर से फाजी कौत हम ही देंगे सबसे निबटने के लिए, आप पीछे ही बैठे, लेकिन बात फिर भी वही होगी कि आप वहाँ पे उसके मुखालफत में करेंगे, जब कोई गुरु उसकी हिमायत में करेगा फिर वो बात का वजन नहीं रहेगा। नहीं रहेगा तो आप कोशिश कर लें कि रहीम आबाद के हमारे जितने भाई हैं आप अपने साथ रख लें, उसके अलावा भी कोई बात नहीं बनती है तो फिर 30-40% जिसका मैंने जिक्र किया वो भी आपके साथ होते हैं। तो आप यहाँ पर एक एहतजाजी मुजाहरा रखें जिसमें हम ग्यामर से लेकर पूरे गिलगित बल्तिस्तान के अवामी शिंद कमेटी के जो हैं हजरात बैठेंगे, फिर वहाँ से एक मजबूत एक पैगाम देंगे कि इतनी बड़ी मुश्किल बात नहीं है कि हम इस अलीम खान को गिलगित बल्तिस्तान से नहीं भगा सकते हैं, तो हमारे बुजुर्गों ने माजी में डोगरों को भगाया था, तो भाई हम इतने कमज़ोर हो गए तो शर्म वाली बात है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अलीम हो या कोई और साहब हैं जो भी हैं वो यहाँ के अपनी इजारादारी कायम नहीं कर सकते हैं। तो फिर मैं ग्यामर की तरफ से आपको ये पैगाम देता हूँ कि जिस तरह आप खड़े होंगे आपके पीछे बतौर बाही बोड़े हमसाए हम आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान को हम अपना एक घर समझते हैं, घर के किसी एक फर्द को भी तकलीफ़ होती हो तो पूरा गिलगित बल्तिस्तान वो दर्द वो कर्ब महसूस करता है। तो आज मेरा यही पैगाम है कि अलीम साहब को भी आपके इस फॉर्म के वसादत से बताना चाहता हूँ कि हमारे बुज़ुर्गों के साथ आपने जो वादे वईद किए हैं ज़बानी तौर पर उनको मिली जामा पहनाएं, उसके अलावा भी आप अपना कोई लचक का मुजाहरा करें, अगर वो भी नहीं कर सकता है तो फिर आप जो चाहते हैं तो हम ईद का जो पत्थर देने के लिए तैयार हैं। आप सब